आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाए जा रहे कार्यक्रमों की कड़ी में उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग द्वारा किसानों को कृषि बीमा योजना में मिलने वाले लाभों के प्रति जागरूक करने के लिए लखनऊ में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने किया। कृषि बीमा के प्रति जागरूक करने के लिए गांव-गांव तक LED वाहनों के जरिए प्रचार प्रसार करने वाले वाहनों को हरी झंडी भी दिखाई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कृषि बीमा के लाभ के बारे में किसानों को जानकारियां दी और उन्हें अधिक से अधिक बीमा कराने की सलाह दी। इस अवसर पर कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि किसानों को अपनी फसलों का बीमा जरूर कराना चाहिए, जिससे किसी विपदा की घड़ी में उनके काम आ सके। कृषि भवन में कृषि बीमा और अन्य योजनाओं के स्टॉल भी लगाए गए थे। जाती हैं, मगर उनको तब भी उसका लाभ नहीं मिलता सरकार की तरफ से कोई। इसीलिए तो उनको जागरूक करने का काम किया जा रहा है, ऐसी गोष्ठियां लगाई जा रही हैं, किसान पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है, किसान विराट मेले का आयोजन प्रत्येक जिले में किया जा रहा है और उनके माध्यम से उनको फसल बीमा के बारे में जानकारी दी जाती है। और चाहे वो गैर ऋणी किसान हो चाहे ऋणी किसान हो, रबी का प्रीमियम अलग है और खरीफ का प्रीमियम अलग है, उनको जानकारी के रूप में देने का ये इस प्रकार की गोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं, जिसके आधार पर वो अपना प्रीमियम जमा करें और अपनी फसल की क्षतिपूर्ति प्राप्त करें। आज ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी तक कितने किसानों ने इस बीमा का लाभ लिया और कितना उसका कितनों ने कराया और कितने का लाभ मिला, कितना अमाउंट। ये तो मैंने उनसे अभी डाटा मांगा है, आपके सामने ही डाटा मांगा है। जैसे डाटा आ जाएगा तो कितने किसानों को दिया, यही तो मैंने मांगा है उनसे। जैसे आ जाएगा, आज मैंने 5 लोगों को दिया है प्रशस्ति प्रमाण पत्र, जिसमें टोटल 10 है। अच्छा, टोटल 10 लोगों को दिया गया है प्रशस्ति प्रमाण पत्र और 10 लोगों में उनको प्रशस्ति प्रमाण पत्र दे के फरखाबाद, जालौन और मथुरा, ललितपुर, ऐसे किसानों को दिया गया है। मंत्री जी, लखनऊ में तो तमाम चीज़ें कर दी जाती हैं, लेकिन जो पिछड़े ज़िले हैं, जो दूर के ज़िले हैं, वहाँ पे यहाँ ये सारी बातें नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ के कैसे किसानों को। नहीं, देखिए, प्रत्येक बीमा कंपनी को ये निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक जनपद के मुख्यालय और तहसील स्तर पर अपना कार्यालय खोलें और वहाँ पर जानकारी दें। और ये जो प्रचार वाहन जा रहा हमारे प्रत्येक जनपद में, ये किसानों के बीच में जाके उनको जागरूक करने का काम करेगा और अपना पूरी जानकारी बीमा के बारे में देंगे। मतलब विक्रम चालक को कमर्शियल डीएल होना चाहिए, कि अभी 2018 में प्रधानमंत्री का आदेश था कि जो भी लाइट व्हीकल हैं इनके लिए वो कमर्शियल डीएल होना अनिवार्य नहीं है, वो प्राइवेट पे चला सकते हैं, जो कि 60 टन से अधिक भार के वाहन ही कमर्शियल पर चलाएंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट और अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल रूल्स, जो कमर्शियल है, जो व्हीकल कमर्शियल है, उस पर कमर्शियल डीएल की आवश्यकता होती है। अगर हम उसका अदर से चलवाएंगे, जैसे कमर्शियल को हम LMB से चलवाएं, तो निश्चित रूप से इट इज़ टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ ब्रीच ऑफ पॉलिसी होगी और उसका वाहन स्वामी ही उसका मालिक होगा, बीमा कंपनी इस लायबिलिटी से बच जाएगी। इसलिए मैंने किसानों को जागरूक करने के लिए इस प्रकार की उनके सामने बात रखी। ठीक, हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।